हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले वुमेन्स एशिया कप का इंतजार जो कि खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ सीरीज बराबर करने का, भारत की टीम एशिया कप 2024 के पहले दिन अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान की वुमेन टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे टूर्नामेंट का दूसरा T20 मैच जो कि 19 जुलाई को शाम 7 बजे संगरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। जब ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी तो फैंस टीवी से नजर चिपके रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे भारतीय महिला टीम ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी की। इससे पहले उन्होंने वनडे सीरीज और एकमात्र टेस्ट दक्षिण अफ्रीका को हराया था। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे पाकिस्तान की महिला टीम जो कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 3 सीरीज हार गई है। आगे बात कर लेते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के लिए मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 80% रहेगा और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं। स्टेडियम की पिच स्लो है और नीची होने के लिए जानी जाती है, जो खेल को आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को काफ़ी मदद भी करती है। सतह जल्दी सूख भी जाती है जिससे दरारें बन जाती है, जो स्पिन बॉलर को टर्न और बाउंस निकालने में मदद करती है। बैटर्स को खेल के शुरुआती चरण के दौरान रन बनाना आसान लग जाता है जब पिच ताज़ा और सख्त होती है। अब अगर बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो भी बैटिंग फोर्स का यहाँ पे 33% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फोर्स का यहाँ पे 67% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करें एवरेज स्कोर, जो कि फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 133 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 124 है। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दो टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि इंडिया वुमेन 8 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर पाकिस्तान वुमेन 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंडिया वुमेन का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर एशिया कप में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। स्मृति मन्ना, शेफाली वर्मा इनिंग की शुरुआत करेंगे। मन्ना के नाम 121.83 स्ट्राइक रेट से 2320 T20 रन बने हैं। वहीं पर वर्मा के नाम पे 129.48 का स्ट्राइक रेट से 1748 T20 रन बने हैं। इस साल दोनों ने 10 मैचों में 556 रन बनाए। वहीं पर दयाल हेमलता तीसरे नंबर पर आई। हमने पिछले 5 T20 मैचों में हेमलता 135 स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाए, जो दोनों टीमों की बैटर्स में सबसे ज्यादा है। वहीं पर बात करेंगे कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और जोमिया ड्रेगिस के साथ मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे। कौर ने पिछले 6 T20 मैचों में 140 रन बनाए। वहीं पर जमीना ड्रेगिस, जो पिछले साल में टीम के लिए 400 से अधिक रन बनाए। वहीं पर दीप्ति शर्मा, राधा यादव के साथ बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। शर्मा ने 2023 में अब तक 5.60 के एवरेज से 34 विकेट लिए। वहीं पर पूजा वतलाकर भी बाकी सबकी नजर रहेगी, जहां पर वस्ताकर ने दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज में 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का सीरीज भी जीता है। स्पिन बॉलिंग में आपको आशा शोभना खेल सकती है। अब बात करते हैं इंडिया वुमेन का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि स्मृति मंदना है, शेफाली वर्मा है, दयालाल हेमलता है, हरमनप्रीत कौर है, ऋचा घोष है, जमीना रोड्रिग्स है, दीप्ति शर्मा, राधा यादव है, रेणुका सिंह है, पूजा वत्सा सर, आशा शोभना है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा, पूजा वत्सागर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पाकिस्तान को, वुमेन का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान के लिए एशिया कप में अपने कैंपेन की शुरुआत करना मुश्किल होगा, जहां पे गुलफ्रेजा और सिद्रा अमीन के उनके लिए इनिंग की शुरुआत करेंगे। अमीन ने पिछले 9 मैच में 248 रन बनाए, जबकि फ्रेजा ने 7 मैचों में सिर्फ 102 रन बनाए। वहीं पर मुनीबा अली तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। वह इस साल 105.67 का स्ट्राइक रेट से 149 रन बनाकर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है। वहीं पर ऑलराउंडर कप्तान निदा डार अपनी बल्लेबाजी का खिलाफ फॉर्म में गुजर रही है। डार ने 7 इनिंग में 102.17 के स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग में वह पाकिस्तान की महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बॉलर है। वहीं पर डार ने 7.84 की इकोनॉमिक से 10 विकेट लिए हैं। टीम की बैटिंग को मजबूत करने के लिए आपको उमैना, सोहेल और ईरत जावेद को शामिल किया है, लेकिन फिर भी उन दोनों का स्ट्राइक रेट से 85 से कम है। साबिया इकबाल और डायना बेग बॉलिंग इनिंग को लीड करेंगे। वहीं पर इकबाल ने इस साल 5.96 इकोनॉमिक से 10 विकेट लिए, जो कि उनकी टीम के लिए बॉलर्स में सबसे कम है। पाकिस्तान की टीम अनकैप्ड और लेफ्ट आर्म पेसर तमसिया रुबाब को शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने नेशनल वीमेंस में वनडे टू टूर्नामेंट 2023-2024 में 12 विकेट लेकर सिलेक्टर को प्रभावित किया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि निडा डार है, जो कि कप्तान है, आलिया रियाज है, डायना वेग है, फातिमा सना, गुल फिरोजा, मुनीबा अली है, नाजिया अलवी है, नदरा सुंदू है, सदिया इकबाल है, सिद्रा अमीन है, तस्मिया रुबाब है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि सिद्रा अमीन है, निडा डार है और सदिया इकबाल है।
तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलना प्रेडिक्शन कंक्लूजन करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि भारतीय वुमेन्स के फेवर में एक तरफा मामला है। टोटल 14 T20 मैचों में भारत ने 11 गेम जीते हैं। एशिया कप की बात करें तो भारत ने 6 गेम में से 5 जीते हैं। हमारा अनुमान है कि यहाँ पे मैच विनर भी इंडिया वुमेन्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Yeah!